आज का रात्रि क्लास है 15 मई 1967। अनुभव सुनाने वाले भी कई प्रकार के हैं, कोई को पूरा निश्चय होता है, कोई को सेमी निश्चय होता है और कोई को तो सेमी से भी कम है। भल सन्मुख बैठे हैं तो भी नंबरवार समझते हैं। भगवान पढ़ाते हैं वो भी पूरा निश्चय नहीं है। स्कूल में टीचर कहेंगे क्या केन को निश्चय नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जिनको निश्चय ही नहीं है। आधा घंटे के बाद यही भूल जाते हैं कि बेहद का बाप टीचर है, सदगुरु हमको पढ़ाने वाला है, पूरा निश्चय नहीं है। नहीं तो वो नशा क्यों नहीं करना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जैसे कृष्ण का नाम डाल दिया है, जिस कारण गीता 100% झूठी हो गई। वो गीता है कृष्ण भगवान वाच, और ये गीता है शिव भगवान वाच। जिससे एक ही बार की पढ़ाई से सदगति को पाते हैं। ये पॉइंट भी सिर्फ बुद्धि में बैठ जावे कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितना नशा चढ़ जावे। बाकी कृष्ण को तो ऊंचे नहीं कहेंगे, क्यों? कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं है क्या? सोलह कला संपूर्ण तो है, परंतु कृष्ण कलातीत नहीं है। कलाओं से परे नहीं है, कला की तो एक भगवान ही गाया हुआ है। बोला भी है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि में होता है, तो कल्पांतकारी कैसे हुआ? तुम बच्चों को बाबा ने अच्छी रीति समझाया है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, यही कारण है कि शिव के ही मंदिर जहां तहां हैं। दुनिया में सबसे जास्ती शिव के मंदिर मिलते हैं और लिंग मूर्तियां ही मिलती हैं। भक्त लोग शिव की पूजा करते हैं,
पूजा का आधार ही है पवित्रता। तो कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, और भगवान तो एक ही है। ऐसे नहीं कि कृष्ण भी भगवान तो राम भी भगवान। जो भगवान है वो ही राजयोग सिखाते हैं। ये राजा ही करने का योग भगवान के सिवाय कोई सिखाया ही नहीं सकता। जिनको ये निश्चय है कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, उनके अंदर में अपार खुशी रहेगी। ये निश्चय हटना ही नहीं चाहिए। शिव के मंदिर में जाकर समझा सकते हो कि जिनकी पूजा करते हो वो हमको पढ़ाए रहे हैं। यही ज्ञान सागर पतित पावन है। और 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने पढ़ाया था। बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचा है तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। तो अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, और ये ऐसी स्टूडेंट लाइफ है कि इसमें जब तक विनाश हो पिछाड़ी तक पढ़ना है। बताओ, हम हैं ही ब्रह्मा कुमार कुमारी, भाई बहन हैं। ये युक्ति है देह विमान छुटाने की। फिर विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। इससे ऊपर भी बताना चाहिए कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्माओं का वो बाप है वो बाप का नाम ही है शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है, नहीं तो उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। नाम अमरनाथ भी है, अमर देवताओं को कहा जाता है। मृत्युलोक से अमर लोक में ले जाने वाला है। बाप कहते हैं तुम कहीं भी जाकर के सर्विस कर सकते हो। मंदिर तो जहां तहां होते ही हैं। बोलो कि हम दर्शन करने आए हैं, फिर बैठ समझाओ तो मालूम पड़ता है कि बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो जरूर पतित से पावन बनाने के लिए पढ़ाते होंगे।
कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाते हैं, तो कृष्ण नहीं पढ़ाता है, शिव बाबा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। भला बच्चा राज की बातों को क्या जानेगा? तो पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, ब्रह्मा की जो रचना है उनको ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है और उन्हीं को पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही देवी देवताएं नमः कहा जाता है, कहते हैं ना ब्राह्मण देवताएं नमः। तो जरूर सड़क की रचना करते होंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पढ़ाते हैं, जहां तुम आत्माएं पुरुषों में उत्तम बनती हो, अगर ये भी निश्चय हो जावे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो भी खुशी बनी रहे। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु वो सच्ची पहचान बहुत थोड़ों में है। सामने भी आते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो कब पत्र भी नहीं लिखते। तो फिर बाबा समझते हैं कि मर गया होगा, और सचमुच मर भी जाते हैं। कहो माया, बाप कहते हैं तुम कितनी दुस्तर हो, हमारे बच्चों को भी मार डालती हो, कितने मर जाते हैं, फिर सेंटर पर भी नहीं आते हैं, कोई न कोई बात से रूठ पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है तो आना ही छोड़ देते हैं। तो माना कि मर गया, तो बाप को लिखो कि हम बाप के बने थे, अभी मरता हूं। बाप भी लिख सकते हैं तुम बाप के बने थे, अभी मर गए। और ऐसे बहुत हैं, यहां आते ही हो बेहद के बाप के पास, फिर माया कितना मार डालती है। ये बाबा कहते हैं कैसे मच्छरों के मुआफिक मत मरो, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया जिनको याद करती है वो बाप हमको पढ़ाए रहे हैं। और ये लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराते हैं। परंतु ऐसे बहुत हैं जो आज पढ़ते हैं तो कल मर पड़ते हैं। बाबा जरूर कहेंगे कि ये मर पड़े,
मच्छर रात को ढेर के ढेर निकलते हैं, सुबह में देखो तो मरे पड़े। तो बाप उन मच्छरों से ही भेंट करते हैं कि आज बेहद के बाप के बनते हैं और कल मल पड़ते हैं। ये सुबह का मिसाल क्यों दिया? जरूर संगम युग में रात समाप्त होती है और ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो ढेर के ढेर मर पड़ते हैं। इसलिए बाप उनकी मच्छरों से भेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाप कहते हैं कमबख्त से कमबख्त देखना हो तो यहां देखो, जो बाप से पढ़कर भी फिर माया हाथ छुड़ा लेती है। कमबख्त के कमबख्त ही बन जाती है। अच्छा, बाप का बने रहने वाले बच्चों को ओम शांति। और एक दूसरा रात्रि क्लास है 25 मई 1967। तुम बच्चे जानते हो कि हम है ईश्वरी और संगमी भी संप्रदाय। गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुम तो ईश्वरीय संघ में हो। इस ईश्वरीय संघ के तुम बच्चे अनुभवी हो, ब्राह्मण अनुभवी होते हैं। उस तरफ है शूद्र संप्रदाय, वो ये बात जानते ही नहीं है। तो स्वच्छ बुद्धि और मलेच्छ बुद्धि है तो इस समय भक्ति का राज्य। और फिर ये है ईश्वर का राज्य। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। परंतु ईश्वर जब कहा जाता है तो मनुष्यों की बुद्धि ऊपर चली जाती है। ऊंचते ऊंच बाप है ना, परंतु कोई समझते नहीं है कि ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहां बनते हैं। इस दुनिया में बनते हैं या ऊंच से ऊंचे धाम परम धाम में बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तो ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। अभी तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय होने के कारण गुप्त हो। ईश्वर है ही निराकार और तुम बच्चे भी अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझते हो। ये बात तुमको ईश्वर ने समझाई है। वो दुनिया वाले तो कुछ नहीं समझ सकते। पहले तो तुम भी शूद्र संप्रदाय थे, अब ब्राह्मण बने हो, वो भक्ति मार्ग है। वो ज्ञान मार्ग को बिल्कुल नहीं जानते हैं।
फिर भी उनका कोई दोष नहीं है। तुम जानते हो ये साधु सन्यासी ये गुरु लोग अनेक प्रकार के हैं। गांवों में भी साधु संत आदि रहते हैं, सब गुरुओं को माथा टेकते हैं। जितना बड़ा नामी ग्रामीण गुरु होता है उतने ही बड़े बड़े लोग उनको सिर झुकाते हैं। है तो वो शूद्र बुद्धि पतित आचुरी संप्रदाय है। तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं? अभी बाप जो पारलौकिक बाप है वो हमको पुरुषोत्तम बनाए रहे हैं। ये बात तुम जानते हो फिर भी भूल जाते हो। चित्र में तुम समझ सकते हो वो पुरुषोत्तम है ये कनिष्ठ है। ये दुनिया ही तमो प्रधान तुच्छ बुद्धि है। ये देवताएं कितने स्वच्छ स्वर्ग के मालिक है ना, और ये तो नरकवासी तुच्छ बुद्धि है। ये चित्र भी कितना अच्छा बनाया हुआ है समझाने के लिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। बाप ने समझाया है वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी तुम बच्चे तो सारी दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो, तुम मुख से कहते हो सभी एप्स बुद्धि है। ईश्वर भी कहते हैं ये है ईश्वरीय संप्रदाय और ये है आसुरी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय को तीसरा नेत्र मिला हुआ है ज्ञान का। तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु बुद्धि दिव्य बाप ही दे सकते हैं। तुमको कहते हैं हमको निश्चय कराओ कि कैसे बाप आया हुआ है, तो बोलो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। कितने ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। रचयिता है नई दुनिया का और नए धर्म का, विनाश कराते हैं पुरानी दुनिया का। तुमको तो अडाप्ट करते हैं। ज्ञान है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। रचते हैं तो बाप आते हैं ना, हमको ब्राह्मण बनाते हैं देवता बनाने के लिए। कितने ढेर बच्चे हैं, बाप ने ब्रह्मा द्वारा हमको रचा, फिर हमको कहते हैं कि मुझे याद करो। ये बात बताना बहुत जरूरी है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा सबका बाप सबको कहते हैं मुझे याद करो। मुझे बाप कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चों हे आत्माओं, अब कहेंगे तो जरूर ना, शरीर द्वारा ही कहेंगे।
ब्रह्मा द्वारा ही कहेंगे कि मुझे पतित पावन कहते हो। वही पतित पावन बाप मैं युक्ति बताता हूँ। अपन को आत्म समझ माम एकम याद करो, सभी को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो जो तुम्हारे में सतो रजो तमो की खाद पड़ गई है वो निकल जाएगी। ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान मनुष्य को नहीं कहा जाता है, मनुष्य मन वाले को कहा जाता है। मन का काम ही है मनन चिंतन मंथन करना, सोचना विचारना। भगवान तो सोच विचार नहीं करता होगा, भगवान तो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, उन्हें सोच विचार करने की क्या दरकार। तो सदैव कहना चाहिए कि रूहानी पिता कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सभी के लिए पैगाम मिलता है, नई दुनिया में कोई पापात्मा नहीं होते हैं। धाम ही तीन है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये समझना तो बहुत सहज है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव, अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो सतोपधान बन जावेंगे। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। इस समय इस दुनिया में तो सात तमो प्रधान है, ये है ही आयरन एज वर्ल्ड। सभी को बाप का परिचय देना है, यही मुख्य बात भूल जाती। वो कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, अरे बाप ने तो कलप पहले भी कहा था, ये वो ही संगम युग है जहां मानुष से देवता की एक रत्न लागी वार। ये गायन है ना, सतयुग में तो सभी पावन है। तो इस एक बात पर अच्छी रीति समझावेंगे तो वो ख्याल में लावेंगे। बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं, ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है और बाप जरूर ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं। कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, ये बिल्कुल कामन अक्षर है। बाप कहते हैं ना, गुरु आदि सबको छोड़ो, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, वो ही पतित पावन ठहरा ना। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। 25 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो बताना चाहिए ये बाबा बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा हमको ये कहते हैं
बाबा हमको ये बताते हैं, हम अपन को आत्मा समझते हैं, हम शरीर नहीं है और हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। यही एक बात सुनाने से और जास्ती सुनाने की दरकार नहीं रहेगी। जब तक बाप को नहीं समझे हैं तो पूछने वाले प्रश्न ही करते रहेंगे, पूछते ही रहेंगे। 84 का चक्र समझाना भी बहुत सहज है। पहला पहला संदेश यही है कि बाप ही बच्चों को कहते हैं, सदगति का वर्षा भी उनसे ही मिलता है। इस ब्रह्मा से नहीं मिलता है, ये तो इम्प्योर दुनिया है। जब प्योर दुनिया थी तो वॉइसलेस थी, अभी विशियस है तो वो है शिवालय। नाम तो पवित्र है ना, नई दुनिया को ही शिवालय कहते हैं। संगम पर ही बाप ने मनुष्य देवता बनाया है। धीरे धीरे समझते जावेंगे क्योंकि राजाई स्थापन करने में समय तो लगता है ना, कितने बिछुड़े हुए हैं, कहां कहां से निकल करके आए हैं और कहां कहां से आगे भी निकल कर आते रहेंगे। कोई विलायत में है, कोई कहां है, सब निकल कर आने हैं। बच्चे जानते हैं, सर्च करते रहते हैं, अधैर्य होने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं है कि प्रदर्शनी में इतना माथा मारा निकला क्या, ऐसे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदर्शनी से प्रजा तैयार होती है, प्रजा वर्ग में ज्यादा ताकत नहीं होती है। वो तो जरूर आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि बैठ कर नाली सुनेंगे, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पवित्रता में ही ताकत होती है। तुम बाप के बच्चे जब पवित्र बनेंगे, देवता ही गुण धारण करेंगे, तो एक एक राजा के पीछे ढेरों प्रजा ऑटोमेटिक निकलेगी। तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। एक बाप की याद में रहो और सर्विस में लगे रहो, बुद्धि में बैठे रहना चाहिए कि पहले हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। हम सतो प्रधान बनेंगे तो प्रजा ऑटोमेटिक निकलेगी। तो बुद्धि में ये सर्विस की ताक लगी होनी चाहिए। ये मासूक कहते हैं आशिकों को कि मुझे मासूक को याद रखो, प्यार से कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये बात आखिरी क्यों भूल जाते हो? माया तो बुलाती ही है, तो फिर याद करो, इसी बात में लड़ाई है।
तुमका तो ये धर्म है कि तुमको याद से बुलावेगी। तुम जानते हो कि आधा कल्प हम याद करते आए हैं, तो इस बात में विचार सागर मंथन तो करना ही है। ये संदेश सभी को पहुंचाना है। जानते हो कि भक्ति मार्ग में कितना अहंकार होता है। किसने तो बहुत गुरु किए हैं और पूरे 84 जन्म लिए, अब वापस जाने में तो खुशी होती है। बार बार गांठ बांध लेनी चाहिए कि बाप को कैसे याद करें। फिर कहां विकार आदि की तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। ये गुप्त मेहनत है, उसमें भी मुख्य याद है। इस याद पर बच्चों का ध्यान बहुत कम है। पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। कैसे देंगे एक बाप का परिचय जिससे साबित हो जाए एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है, जो पतितों को पावन बनावे। ये बातें समझावेंगे तो इन पर कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे। समझाना है, नंबर वन पावन सोई फिर 84 जन्म लेकर नंबर वन पतित बनते हैं। ये राजयोग बाप के बगैर कोई नहीं सिखला सकते। क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा राजयोग की बातों को क्या जाने। हम राजयोग ऋषि हैं। उन सन्यासियों को तो घर बाहर छोड़ जाना होता है। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनने के लिए पावन दुनिया का मालिक बन जावेंगे। सिर्फ एक जन्म की बात है। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है कि कोई इस एक जन्म में पवित्र बने गर्भस्थ में रहते हुए। और हम कहते हैं वाह, ये तो बहुत सहज है। ये मृत्यु लोक है, परंतु हमको खातरी है कि हमें अमर लोक में जाना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बहन भाई हो गए, ये तुम्हारी युक्ति है कि हम ब्राह्मण भाई बहन पवित्र नहीं हो सकते हैं। हम पवित्र बन जावेंगे तो पवित्र दुनिया भी चाहिए। इसलिए अपवित्र दुनिया का विनाश भी होता है। बाप ने खुद कहा है कि ये रावण राज्य है, आसुरी संप्रदाय है। अंधश्रद्धा से सांप की भक्ति करते रहते हैं। तुमको तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय नहीं देते हो तो इतना असर नहीं होता है। बेहद का बाप है, उनके उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अभी वो समय है जबकि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा पाए लेवे।
इस घड़ी पर ले आना चाहिए। अभी हम वापस ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इशारे से समझाना चाहिए, और समझाने के लिए रग भी देखनी होती है। तुम बच्चों को निष्ठा के प्रोग्राम बहुत आते हैं, क्योंकि सारे दिन में याद ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए प्रोग्राम देते हैं कि इनके कुछ तो विकर्म विनाश हो जावे हैं। प्रदर्शनी के लिए भी पुरुषार्थ चलता है, तो अपन को पावन बनाने के लिए भी पुरुषार्थ चलता है। बच्चों को बाप मत देते रहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु अपने मासू को याद करते रहो। वो आशिक मासू को दुनिया में होते हैं, वो भी तो पवित्र रहते हैं ना, गंदे नहीं होते हैं। यहां तो है आत्मा और परमात्मा की बात। बाप कहते हैं आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझ मासूक बाप के आशिक हो, और ये बात भी समझाने के लिए कही जाती है। बाप से तुम ज्ञान सुनते रहते हो, बाप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हैं, इन सार की बातों को इनमें प्रवेश करके समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनावेंगे तो जरूर प्रवेश ही करेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो हमारे मुख से बोल सकेंगे, जरूर आत्मा ही प्रवेश करेगी। तो बाप कहते हैं हम इनमें प्रवेश करके शास्त्रों का सार सुनाता हूं। वो सारा भक्ति मार्ग है, परंतु तुमको तो अब विचारी याद में रहना है, और यही बड़ी मेहनत है। तो जितना हो सके बाप को ही याद करती रहो। अच्छा, वेद के माता पिता बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत श्रीमद्धारी बच्चों को याद कर। गुड नाइट, ओम शांति। ज्ञानी है तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि दुनिया की जितनी भी पैदाइश है सब में बांट करके खाना अच्छा है, या हम ही सारा खा जाएं वो अच्छा है। बांट करके खाना है। अगर अज्ञानी है तो वो मिल बैठ करके बांट के नहीं खाएगा। इसलिए श्रीनाथ को पश्चिमी सभ्यता में दिखाया है, पश्चिम में मंदिर बना हुआ है, और जगन्नाथ को पूरब में मंदिर बना हुआ है। पूर्वी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली है, पश्चिमी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली नहीं है। देह अभिमानियों की स्टेज है। वो आक्रामक हैं,
भारतवासी आक्रामक नहीं होते हैं। जियो और जीने दो। और पश्चिमी सभ्यता वाले, हम जिएंगे लेकिन सबको जीने नहीं देंगे। ऐसी स्टेज वाले होते हैं। विदेशियों ने हिस्ट्री में जो आक्रमण किए हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, उससे क्या साबित होता है? वो जीना जानते हैं कि जीने देना भी जानते हैं, है? जीना जानते हैं। वो स्वार्थ के लिए जीते हैं। और भारतवासी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। उनका नारा ही है जियो और जीने दो। छत्तीस प्रकार के भोजन खुद खा लिए, और दुनिया के ऊपर नजर नहीं दौड़ाई कि दुनिया में और भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जिन्हें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो उनकी बुद्धि ज्ञान में चलने वाली है या बुद्धि जाम है, क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि जाम है। जाम बुद्धि वालों को जामड़ी बुद्धि कहते हैं। ये बैल बुद्धि है। और बाबा ने रामवाली आत्मा 5000 वर्ष के ब्रह्मा में विभिन्न स्टेज में रहती है। नहीं, कलाओं के साथ साथ देह अभिमान बढ़ता घटता रहता है। अन्य आत्माओं के मुकाबले जो सारी सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, वो हर स्टेज में आगे रहती है। जो बोला है, जो पहला ब्राह्मण, सो पहले नंबर का देवता, वो ही पहले नंबर का क्षत्रिय, और वो ही पहले नंबर का विशेष वैश्य, और वो ही पहले नंबर का शूद्र। इसलिए हनुमान चालीसा में बोल दिया है, क्या बोला है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उदियारा। हर युग में झंडा बुलंद उसी का रहता है। वो किसी के अधीन होने वाली आत्मा नहीं है, और कोई को अधीन बना के रखना भी नहीं चाहती। डॉक्टर के बाद उस आत्मा को कभी भी ये ऐसा होता है कि मैं इस सृष्टि रूपी रंग में इसका हीरो काट करेगा, सृष्टि रूपी रंग में इसका मैं हीरो काट करेगा, ऐसा उस आत्मा को कभी होता है? कोई भी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है, वो अपने पूर्व जन्म को भूल भी जाती है। ये सिर्फ संगम युग में ही पता चलता है कि मुझे आत्मा का क्या पार्ट है रंगमंच पर।
और कोई युग में पता नहीं चलता। हाँ संगम युग में आसुरी कर्म करने वाले नहीं है ब्राह्मणों में। नहीं नहीं क्यों नहीं है द्वापर जन्म की बात। अरे संगम युग की बात पहले करो। संगम युग में आसुरी गुणों वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? तो फिर आसुर बनना जरूरी है? संगम युग की बात। अरे क्यों नहीं है? द्वापर कलयुग में सही रास्ता बताने वाला कोई होता ही नहीं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं न खुद सही रास्ता जानती है और न दूसरों को बता सकती है। ये तो एक शिव बाबा ही है जो संगम युग में आकर के सही रास्ता बताता है। शिव बाबा ने क्या हिंसा का रास्ता बताया कि जो आसुरी ब्राह्मण है रावण कुंभकर्ण कंसी जरासिंधी जैसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनसे टक्कर लेने के लिए असुर बनना पड़े? क्यों क्यों नहीं बनना पड़े? इसीलिए बनना पड़े कि वहां बनाने वाला बताने वाला कोई है ही नहीं। और संगम युग में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका आधार है 63 जन्मों में किए हुए कर्म। 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूमती है। जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं वो इस अंतिम जन्म में हल्के ब्राह्मण होते हैं या दुनियादारी का उनके ऊपर बोझ होता है, है? हल्के होते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है ईश्वरीय सेवा करने के लिए, निर्बंधन होते हैं। और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं दूसरों को बंधन में डाला है वो यहाँ अंतिम ईश्वरीय जन्म में बंधनी आत्मा होते हैं या निर्बंधन होते हैं? बंधन वाली आत्मा बनते हैं। तो आरस परस है 63 जन्मों के कर्मों के आधार पर संगम युग में प्राप्ति होती है और संगम के आधार पर 21 जन्मों की प्राप्ति होती है और 21 जन्मों के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। सतयुग के आदि में जो ऊंचा पद पाने वाला है वो द्वापर के आदि में भी ऊंचा पदधारी बनता है। त्रेता के आदि में ऊंच पद पाने वाला है
वो कलयुग के आदि में भी ऊंच पद पाने वाला बनता है। इसलिए कहा 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। ओम शांति।